साक्षी मानकर जमानबंदी साइंटिफिक दलर स्पॉट एनालिसिस रिपोर्ट एवं आरएफएसएल रो जो एग्जिबिटर एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये सब रो एनालिसिस कला परे जाना पड़ुछि जे सौम्य रंजन कर बासभवन ही घटना जो घटना टी घटी बासभवन में ही घटी तापरे आसवा आम जो तीन जन सस्पेक्ट थे रोल उपरे प्रथमे डीएफ रोल उपरे आमर जो तदंत हो साक्षी मानकर बयान एवं टेलीफोन रो सीडीआर एनालिसिस सौम्यंकर डायरी आउ डाइंग डिक्लेरेशन डीएफ पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट विद्याभारती पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट ये सबू अनुध्यान कलापर डीएफ विद्याभारती सहित कौन सी संपर्क कौन सी प्रमाण एविडेन्स मिलना एवं सौम्य को पोड़ा घटन रोल थी प्रमाण मिलना तापर आसवा जो मनमत कुंभ थे रोल से साक्षी मान बयान पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट ये सबरू मनमत कुंभर यही घटन कौन सी संपर्क थिवारो प्रमाण मिलना आसवा जो कॉज ऑफ डेथ परिवार सदस्य आरोप अनुसार क्राइम ब्रांच टीम यही घटनाटी हत्या मामला हिसाब से तदंत आरंभ कर तदंत बेले होमिसाइडल डेथ उपरे सेमती कौन सी प्रमाण हस्तगत होनी एसत यह घटना रे सुइसाइडल डेथ उपरे सेमती कौन सी प्रमाण मिलना मिले तथ्य एवं प्रमाण गुड़िक आधार में यह घटना को एक एक्सीडेंटल डेथ बोली कहुपर यह सौम्यंकर डाइंग डिक्लेरेशन रु स्पष्ट होई डाइंग डिक्लेरेशन टी डॉक्टर एवं मजिस्ट्रेट मिलित भाव में रेकर्ड कर तार वीडियो रिकॉर्डिंग रही डाइंग डिक्लेरेशन रे सौम्य कहते जे व्हाइल ही वाज बर्निंग पेपर्स बाय पोरिंग केरोसिन एक्सीडेंटली ही इज लेग स्लिप्ड एंड केरोसिन गॉट पोर्ड ऑन हिम एंड ही कॉट फायर डाइंग डिक्लेरेशन हूँ बहुत बड़ा एविडेंस एवं तार एविडेन्सरी वैल्यू बहुत अधिक यापर आसवा विद्याभारती रोल उपरे तदंत अनुसार विद्याभारती सौम्य सहित वैवाहिक संपर्क एत भल ना केतेक बयान पॉलीग्राफ टेस्ट रे डिसेप्टिव आसी से सौम्य निया लिभाइबारे निभाइबाकु यथापूर्वक चेष्टा करि नथिले सौम्य देहरे सफिसेंट पाळी ढळा जाइ नथिला विद्याभारती सांगे सांगे साहाज्य पई अन्य मानकु डाकि नथिले से साइंस ग्रेजुएट होइ मध्ये निया लिभाइबाकु यथेष्ट उपयुक्त पदक्षेप नै नथिले तदंत सर श्रीमती विद्याभारती पंडा विरुद्ध आईपीसी 285 एवं 304 ए दफारे चार्जसीट दाखल करा जाउछि 304 ए होउछि कजिंग डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय नेग्लिजेंट एक्ट पब्लिक कमीशन 285 आईपीसी होउछि नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फायर व्हिच एंडेंजर्ड लाइफ ऑफ हर हस्बैंड तेनालीरें आमर जो आपन को जनइबार सरला एतद व्यत आम आपण मैं गोटे प्रेस ब्रीफ डिटेल बनई राइटिंग रे तदंत सर श्रीमती विद्याभारती पंडा विरुद्ध आईपीसी 285 एवं 304 ए दफारे चार्जसीट दाखल कर 304 ए हूँ कजिंग डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय हर नेग्लिजेंट एक्ट पब्लिक कमीशन 285 हूँ नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फायर व्हिच एंडेंजर्ड लाइफ ऑफ हर हस्बैंड पढ़ी दिखा आम आपको गोटे दौर बहुत मीट हो
दफारे जेहेतु यार सजा हूँ दुई वर्ष आईन अनुसार 41 सीआरपीसी अनुसार नोटिस सर्व कर आपण देखुले क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा फ्रेशमिट सीधासलख चित्र आपण देखिपे अनेक कथा अनेक दिग सामना को आनी क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा एवं बड़ कथा कहते सौम्यरंजन बासभवन ही घटना घटी ये बड़ कथा बड़ सूचना देखते क्राइमब्रांच एडीजी एवं यहाँ दुर्घटना जनित मृत्यु आक्सीडेटाल डेथ बोली जहाँ कहुच क्राइमब्रांच एडीजी पक्षर अनेक तथ्य आधार में आपात जीक इनभेटिगेसन आगे अनेक तथ्य अनेक प्रमाण आधार में सूचना आसी पहुँचुची सौम्यरंजन बासभवन में ही ये घटना घटी एवं जो पॉलीग्राफ टेस्ट करा कर मनमोथ कुंभ कथा कहतु डीएफओ कथा कहतु एवं विद्याभारती पंडा कथा कहतु जो पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट आधार रे एवं अनेक दिन धरी जो तदंत चली आधार रे ये चित्र बर्तमान समय सामनाक आसूची यहाँ आक्सीडेटाल डेथ बा दुर्घटना जनित मृत्यु बोली जहाँ खबर आसी पहुँचुची क्राइमब्रांच एडीजी निजे संजीव पंडा ये चित्र स्पष्ट कर गणमाध्यम सम्मुखें एवं जो डाइंग डिक्लेरेशन रही सौम्य डाइंग डिक्लेरेशन रही से मैं ये आक्सीडेटाल डेथ कौन सी कागज लग जा परवर्त समय देहर नि लग जा सौम्य डाइंग डिक्लेरेशन रु एभली तथ्य बर्तमान समय सामना को आसूची एवं अनेक समय धरी अनेक चित्र अस्पष्ट रही के भाव सौम्य मृत्यु घटी एथपाई दायी के अनेक व्यक्ति विशेष को तदंत परिसरभुक्त कर किंतु बड़ अपडेट बड़ सूचना कह जाए पारे सौम्य बासभवन में ही एभली घटना घटी एवं मनमोथ कुंभ कौटिना कौटी तर संपृक्त नहीं कौन प्रमाण मिली ना साक्षी बयान आधार में जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता से आधार मनमोथ कुंभर कौन संपृक्त ना प्रमाण ना ये बाबद स्पष्टता रखुंत क्राइमब्रांच एडीजी एवं बड़ सूचना कह जाए बड़ अपडेट कह जाए डीएफओ को क्लीन चिट मिली बड़ अपडेट ये कह जाए डीएफओ को नहीं अनेक समय चर्चा आलोचना जारी रही कौटिना कौटी तर हे तो ये संप्रति रही थी पारे किंतु वर्तमान समय डीएफओ को क्लीन चिट मिली डीएफओ को पॉलीग्राफ टेस्ट होता अनेक तदंतर सामना करने को पड़ता किंतु डीएफओ को क्लीन चिट मिली एवं मनमोथ कुंभ जेकि रोसी थे क्लीन चिट कौटिना कौटी मिली किंतु विद्याभारती पंडा सौम्य पत्नी नाँ 304 आईपीसी 285 धारा चार्जसीट दाखल हो प्रकार सूचना आसी पहुँचुची विभूति साहू कटक जनरल हेड आम सहित जोड़ी होती विभूति बड़ अपडेट तादा सूचना कह जाए पार यहाँ आक्सीडेटाल डेथ अर्थात दुर्घटना जनित मृत्यु यह कहूँ क्राइमब्रांच एडीजी पक्षर देखु प्रियरंजन क्राइमब्रांच एडीजी गोटे बड़ सूचना दे जो सूचना एस सी एफ सौम्यरंजन मृत्यु होता से घटन गोटे बड़ खुलासा करिसन क्राइमब्रांच एडीजी जे तांकर मृत्यु जो होती से मृत्यु एक आक्सीडेटाल डेथ यह एक दुर्घटना जनित मृत्यु एवं यह हत्याकांड नुह क्राइमब्रांच प्रारंभर 302 दफा लगे एक हत्याकांड मामला भाभी या तदंत कर किंतु वर्तमान जिते बड़े तदंतर रिपोर्ट आसी क्राइमब्रांच पाखे जो पाखे घटनाक्रम घटनार जहाँ रिपोर्ट जमीती कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पारिपार्श्विक परिस्थिति ए सब तदंत पर क्राइमब्रांच जानी एवं सबुठ बड़ तथ्य रोच डाइंग डिक्लारेसन जो डाइंग डिक्लारेसन सौम्यरंजन निजे मृत्यु संपर्क से स्पष्ट करी जे मो मृत्यु कहीं दायी नुह यह एक दुर्घटना एवं ए दुर्घटना जितेबले घटला से घटनास्थल किए विद्याभारती थिले तेनालीरु विद्याभारती रोल कथा आसुला विद्याभारती डीएफओ संपर्क कथा आसला क्लीयर कर क्राइमब्रांच एडीजी जे डीएफओ एवं विद्याभारती कौन सी संपर्क नथिला डीएफओ एवं विद्याभारती कौन सी संपर्क नथिला किंतु एसीएफ सौम्यरंजन एवं विद्याभारती वैवाहिक जीवन वैवाहिक संपर्क से भल नथिला जितेबले दुर्घटना घटला निया लागिला तांको देहरे से समय विद्याभारती
प्रकृत जड़े स्त्री हिसाब से जो उद्यम करवा कथा से उद्यम से करी देहर किभिया लिभव सफिसेंट पानी तांको देहरे ढोला जाई नहीं जो कि विद्याभारती नारे 304A एक मामला रुजू करी क्राइम ब्रांच एवं सी जो मामला रुजू करी नेग्लीजेंसी पाई ही ए मामला रुजु एवं स्वामी को मृत्यु अंकर नेग्लीजेंसी दर्शाई क्राइम ब्रांच तो ये आप देखते से जहाँ क्राइम ब्रांच एडीजी कहवा कथा जे से उद्यम करनथिले कि भली निया लिभिब तुरंत एवं से पाखरे जो लोक थिले से मानकु डाकि नथिले तांको देहरे सफिसेंट पानी ढोला नथिला तो ये कथा को यदि देखिबे तनु क्राइम ब्रांच जहाँ जो वर्तमान क्राइम ब्रांच तदंतर दिग बा क्राइम ब्रांच जो मामलार दिग को जो आग को नौचि एथिरे विद्याभारतींकर नेग्लीजेंसी पई सौम्य रंजन मृत्यु होता से स्पष्ट किंतु डीएफओंकर कौन प्रकार संपर्क नथिला विद्याभारती सहित एवं 41 सीआरपीसी 41 सेक्शन रे वर्तमान एक नोटिस जाइछि विद्याभारती ये होची लीगल प्रोसेस गोटे जोबले तदंत करुची क्राइम ब्रांच टीम तांकु नोटिस करिबो डाकिबो 41 ए सीआरपीसी रे नोटिस जाइछि एवं क्राइम ब्रांच पक्षरु आईपीसी 285 और 304A दुईटी दफारे मामला रुजु होइछि जहाँ कि विद्याभारती विरुद्ध विद्याभारती पंडा विरुद्ध ये मामला रुजु होइछि तेणु जदि आपण देखिबे ए घटनाक्रम जुलाई 12 तारीख रे जेतेबेले पार्लाखेमुंड रे तांको क्वार्टर रे निया लागिला एवं जुलाई 13 तारीख रे कटक रे तांकर मृत्यु होइतिला क्राइम ब्रांच अगस्ट 12 तारीख रे मामला तदंत आरंभ क्राइम ब्रांच को दि जाइला सबुठ बड़ चर्चित घटना एवं ये चर्चित घटना रे जदि आप देखिबे वर्तमान क्राइम ब्रांच जो खुलासा करुच्ची ये मामलार मोड़ गोटे नुआ मोड़ नहीं जो थी कि यह हत्याकांड नुह